पटना के नेताजी सुभाष रोड का बंगला नंबर 6। इस बंगले की भी अजीब दास्तां है। पिछले 3 साल के अंदर इस बंगले में बिहार सरकार के 3 मंत्री रहने आए, लेकिन संयोग देखिए तीनों को ही अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। 2 दिन पहले बिहार के नीतीश मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाली समाज कल्याण विभाग की मंत्री मंजू वर्मा भी इसी बंगले में रहती थी। इस बंगले से डर लगता है। बात थोड़ी अजीब जरूर है, लेकिन 16 आने सच। पटना के नेताजी सुभाष मार्ग, जिसे स्ट्रैंड रोड के नाम से भी जाना जाता है, इसी रोड में है मंत्रियों के लिए पुलिस श्रेणी का बंगला नंबर 6। मुजफ्फरपुर कांड के मास्टरमाइंड ब्रजेश ठाकुर के साथ नजदीकियों के चलते विवाद में आए बिहार सरकार की समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा इसी बंगले में रहती थी। अभी तो 1 साल बीता भी नहीं था उनका इस बंगले में, लेकिन वो मंत्री से पूर्व मंत्री हो गई, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अभी सीबीआई का झमेला, ऊपर से वो अलग। जिस दिन से मंजू वर्मा का इस्तीफा हुआ है, उसी दिन से इस बंगले को लेकर कहानी कही जा रही है। हालांकि इसे संयोगी कहेंगे कि पिछले 3 बार से इसमें जो भी मंत्री रहने आए हैं वो कुशवाहा जाति से ही हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव से पहले इस बंगले में तत्कालीन निबंधन मंत्री अवधेश कुशवाहा रहते थे, लेकिन 2015 के विधानसभा चुनाव के ठीक पहले एक स्टिंग ऑपरेशन में उनका चेहरा आ गया, जिसके बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद अगले चुनाव में जब महागठबंधन की सरकार बनी तो यह बंगला आरजेडी आलोक मेहता को मिला। वो सहकारिता मंत्री थे। आलोक मेहता भी कुशवाहा समाज से ही आते हैं, लेकिन जब 2017 में नीतीश कुमार का महागठबंधन से नाता टूटा तो फिर उन्हें भी यह बंगला खाली करना पड़ा, जिसके बाद समाज कल्याण मंत्री बनी मंजू वर्मा को यह बंगला आवंटित हुआ। पटना से बिहार प्लस की रिपोर्ट। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।